Assalamualaikum, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुरैशी फैमिली। तो आज हम बना रहे हैं लोबिये की खिचड़ी, जो अमरोहा की स्पेशल खिचड़ी होती है, जो सिर्फ अमरोहा दिल्ली में तो बनती है, मतलब अमरोहा की स्पेशल खिचड़ी है। ये सर्दियों में खाई जाती है, ये गर्मियों में अच्छी नहीं लगती। ये लोबिया होता है, देखिएगा इसी तरीके का, ये दिल्ली में बहुत ज़्यादा कम मिलेगा, मतलब अब तो मिलने लगा, पहले तो बिल्कुल नहीं मिलता था, पर ये हमारा अमरोहा का लोबिया है, अमरोहा से मंगाया हमने, मिल तो यहाँ पर भी जाएगा अगर ढूंढेंगे तो ये अमरोहा की स्पेशल हम लोबिया की खिचड़ी, ये स्पेशल है अमरोहा की, तो मैंने सोचा आपको ये रेसिपी देनी चाहिए। तो चलिए ये बनाना शुरू करते हैं हम, बहुत टेस्टी होती है, सर्दियों में बहुत दिल से खाई जाती है। ये देखिएगा ये कुकर ले लिया है हमने, ये सारा लोबिया हम इस तरीके से इसके अंदर कर लेंगे। ये देखिएगा सारा लोबिया हमने इसके अंदर कर लिया है, अब इसमें हम पानी डालेंगे। अब हम इसमें दो सीटियाँ लेंगे, इसे हम अच्छे तरीके से नरम गला लेंगे। चलिए ये देखिएगा जब तक इसमें सीटियाँ आ रही हैं लोबिया में, तो हम मसाला दिखा देते हैं। ये प्याज लिए हमने बारीक चॉप कर कर, ये फ्राई होगी। ये हमने 8 से 10 हरी मिर्च ली हैं, ये 1 टीस्पून जीरा लिया है, या अदरक लहसुन पेस्ट, और ये टमाटर हम काट लेंगे। ये सिर्फ इसमें मसाले जाएंगे, बहुत कम मसाले जाते हैं इस खिचड़ी के अंदर। बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं कि लोबिया उबालकर उसमें नमक डालकर चावल डालकर सीटियाँ लेकर ऊपर से भगा कर देते हैं खाली प्याज का, ये भी तरीका सही है हम लोगों का, पर मैं कुछ यूनिक सा टेस्ट देना चाहती हूँ, कुछ अलग सा हमारी लोबिया खिचड़ी का टेस्ट होता है। तो ये हम खिचड़ी इस तरीके से बना रहे हैं, आप मेरे तरीके से बनाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी। ये देखिएगा ये हमारे 1.5 किलो चावल है, ये बासमती राइस है, ये देखिएगा इसको हमने आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। ये हमारी 2 सीटियाँ हो गई हैं, तो हम इसमें दम में डाल देंगे। 2 सीटियाँ हम जब लेंगे, जब ये 2 से 3 घंटे भीगा हुआ होना चाहिए, वरना आपका भीगा हुआ नहीं हुआ तो आप 4 से 5 सीट लेके इसे प्रेशर में छोड़ दें, क्योंकि लोबिया देर से गलता है। चलिए यहाँ हम अपने राइस देख लेते हैं। ये देखिएगा ये 1 किलो ये बासमती चावल है, ये देखिएगा ये 1.5 किलो बासमती चावल है। ये इसी के साथ साथ मैं आपको रेसिपी देने वाली हूँ शाम के खाने की, तो ये है बटे, ये देखिएगा मैं आपको बहुत टेस्टी बताइएगा कमेंट करके किस किस को पसंद है ये बटे, तो ये मैं आपको शाम को रेसिपी देने वाली हूँ इन बटों की, शाम के खाने की रेसिपी देने वाली हूँ। ये देखिएगा हमारा तेल गर्म हो रहा है, इसमें हमारा तेल गर्म हो चुका है, उनको प्याज डाल देंगे। ये देखिएगा इसी के साथ मैंने अपना जीरा भी डाल दिया था, तो वो दोनों चीज़ें फ्राई हो रही हैं, प्याज और जीरा। ये देखिएगा प्याज फ्राई करके मैंने निकाल ली है, अब इसमें हम अपना अदरक लहसुन पेस्ट डाल देंगे, इसकी थोड़ी स्मेल निकल गई, तो ये हम टमाटर और मिर्ची डाल देंगे। ये इस टाइम अब हम पानी डाल देंगे अपना, ये पानी डाल दिया है हमने इसमें, अब अच्छी तरीके से जब खुल जाएगा तो हम इसमें अपने चावल डालकर, नहीं सॉरी, ये अच्छे तरीके से खुल जाएगा फिर हम इसमें बताते हैं क्या करना है। चलिए अपना लोबिया देख लेते हैं हम, ये देखिएगा हमारा लोबिया, ये देखिए ये बिल्कुल नरम हो चुका है, माशाल्लाह से हमारा पूरा तैयार है ये लोबिया। ये हम इस टाइम अपने इसके अंदर डाल देंगे कुकर में, ये देखिएगा लोबिया हमने डाल दिया, अब हम इस टाइम इसमें नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये देखिएगा हमारे पानी में बॉईल आ गई, ये देखिएगा इस टाइम हम अपने ये चावल ऐड कर देंगे, इस टाइम ही हम नमक चेक लेंगे, कम या ज़्यादा आपको जैसा लगे आप चेक कर सकती हैं, क्योंकि फिर बाद में कुछ नहीं हो सकता नमक के साथ, क्योंकि राइस है। ये देखिएगा चावल में डाल दिया, हम इसमें सीटी लगाने जा रही हूँ, इसमें हम 1 सीटी लेंगे। ये देखिएगा हमारे चावल में सीटी आ गई है, हम सब प्रेशर रिलीज कर रहे हैं क्योंकि चावल ज़्यादा दम में आ जाएंगे। ये देखिएगा माशाल्लाह, ज़रूर बोलिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी हमारी लोबिया खिचड़ी तैयार है। ये हम खाएँगे हरी चटनी के साथ, हरी मिर्चें, हरा धनिया, हरी मिर्चें, जीरा, लहसुन, इसकी हम चटनी बनाएंगे उसके साथ खाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। चलिए ये देखिएगा अब हम खाना खाने जा रहे हैं, माशाल्लाह देखिएगा लोबिया कितना नरम और अच्छा बना है, मज़ा आ गया। चलिए अब हम खाना खाकर मिलते हैं आप सबको। ये जो हमने प्याज फ्राई करी थी, इसके ऊपर से हम इस तरीके से डालेंगे, चटनी डालेंगे और खा लेंगे। ये देखिएगा हमारे चावल रेडी हैं, ये अपी आपको खाकर बताएगी। कैसे लगे? समय पहले सिखलाओगे ना, खाई समय पहले खोलते के साथ ही। चलिए खाना वाना हमारा हो गया है, मैं आपको एक और रेसिपी देने वाली हूँ, जैसे कि मैंने कहा था ये बटे बनाएंगे हम। वैसे तो ये बोटी और कीमा अच्छी लगती है बटों की, ये सभी बोटियाँ हैं, मैंने सोचा चलिए आपको रेसिपी देनी चाहिए। और वैसे तो मेरे चैनल पर पहले भी डली हुई है बट कीमे की, तो ये मैं बटे बना रही हूँ। चलिए ये देखिएगा मेरी जिक्र उठ गई, ये मेरी जिक्र सोकर उठ गई है, ये देखिएगा ये सोते सोते खाने बैठ गई है खिचड़ी, खा लो खा लो खा लो खा लो मेरा बेटा। चलिए हम बटों की तरफ आ जाते हैं, तो ये बटे मैंने अच्छी तरीके से धो ली थी, ठीक है ये अच्छी तरीके से धो ली थी, अभी हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखिएगा हमारी अच्छी तरीके से साफ हो चुकी है बट, चलिए इसे मैंने गैस पर रख दिया है। ये देखिएगा हमने अपने बटों में पानी डाल दिया है, इसे अच्छी तरीके से हम बॉईल करेंगे, बस इसकी गंदी स्मेल निकालने के लिए ये प्रोसेसर होता है, ये पानी हम सारा फेंक देंगे बाद में, पहले अच्छी तरीके से इसे हम बॉईल कर लेंगे, ठीक है गलानी नहीं है, बॉईल करना अच्छी तरीके से, बस ये सारा गंदापन सब अलग हो जाएगा, वाइट वाइट हमारे बटे बचेंगे।
ये उबालना ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें एक स्मेल होती है, एक बदबू होती है, वो निकल जाती है। ये देखिएगा हमारी बटे उबल रही हैं, ये देखिए, ये देखिएगा जितना भी गंदा है, ये देखिए कितनी गंदगी है, ये सब निकल जाएगी। आप प्लीज़ उबालें, इसे उबाल कर ही डालें। ये देखिएगा सारी जितनी भी स्मेल गंदगी सब होगी, इस पानी में अलग हो जाएगी। बहुत टेस्टी बटे बनेंगे हमारी। मुझे नहीं लगता कि कुरेशी से अच्छी कोई बना सकता है, तो आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि क्या बोलती है कुरेशी स्पेशल रेसिपी है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि शायद इस तरीके से बनाएं तो अच्छी रहेगी। और आप देखिएगा ये अच्छी तरीके से हमारी ये बॉइल हो गई है, इसे अब हम इस पानी से अलग कर लेंगे, गैस को कर देंगे हम बंद। अब हम इस तरीके से ही बटे अपने अलग निकाल लेंगे। ये देखिएगा हमारी बटे अलग हो चुकी है, ये सारा इसका गंदा पानी, ये हम फेंक देंगे और इसको एक बार और वॉश कर लेंगे हम। ये देखिएगा इसे हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है अपनी बटों को, देखिए कितनी माशाल्लाह से साफ़ हो गई है। बना रहे हैं बोटी वाली, इसे हमने उबाल लिया था बट को, तो कुकर में हमने ऑयल ले लिया है। वैसे तो हमारे आधा किमा और आधी बोटी बनती है, पर आज सिर्फ बोटी वाली बट बन रही है। इसके लिए हम चार प्याज हैं, चार प्याज भी हमने इसमें तेल में डालेंगे गर्म तेल में। ये हमने मसाले लिए हैं, कटा हुआ अदरक है, लहसुन अदरक का पेस्ट है और पिसे हुए टमाटर और चॉप हरी मिर्चें हैं। इसमें हम ड्राई मसाले भी निकालेंगे अपने। और ये जो हमने प्याज ब्राउन करने डाली है उसमें हम डालेंगे ये चार लौंगे हैं और कुछ काली मिर्चें हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा है और एक बड़ी इलायची है, इसे हमने तोड़ लिया बड़ी इलायची को, ये भी इसमें डालेंगे। इन मसालों में ही निकालेंगे हम ड्राई मसाले, खड़ा जीरा है आधा चम्मच, ये एक टीस्पून हल्दी है, ये आधा आधा चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई और पीली मिर्च भी लेंगे, इसमें हमने हरी मिर्च भी ली है, तीनों मिर्चें लेंगे, डेढ़ टीस्पून पिसा हुआ धनिया है, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, ये दो तीन तेज़ पत्ते भी लेंगे इसमें, प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना था, बस ऐसे में ही हम ये मसाले ऐड कर देंगे अपने जो हमने निकाले थे। थोड़ा सा पानी डालेंगे मसाला भुनने के लिए। वैसे तो मैंने पहले भी वीडियो अपलोड कर रखी है बट की, पर वो कीमा और बोटी दोनों है वो अलग तरीके से बनती है, जो कीमा बोटी होती है दोनों वो बिल्कुल अलग तरीके से बनती है, आप देखेंगे तो वीडियो, और ये जो सिर्फ बोटियाँ होती हैं काफ़ी अलग तरीके से बनती हैं, जैसे कि मैं बता रही हूँ मसाला बनता है इसमें पहले थोड़ा, उसके बाद बट डलती है, उसमें सब साथ में रखा जाता है जो कीमे वाली बनती है, तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो मसाला हमारा अच्छे से बन गया है, इसमें हम बट डाल देंगे, अपनी बटे डाल देंगे, बटे हमने डाल दी है, अब इसमें हम बटे डालने के लिए थोड़ा पानी डालेंगे, एक गिलास पानी होगा, एक गिलास पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है, इसके बाद लगा देंगे हम सीटी, और हम इसमें लेंगे पाँच सीटियाँ लेंगे हम इसमें, क्योंकि बहुत देर से गलती है, तो पाँच सीटियों के बाद हम इसे देखेंगे। फिर ये लगा दिया हमने सीटी हाई फ्लेम पे, हम पकाएंगे इसको। तो गाइज़ मैंने इसे पाँच सीटियों के बाद बिल्कुल हल्के चूल्हे पर इस तरह से 20 मिनट के लिए दम पे छोड़ दिया था, तो ये मैंने खोला है, तो हमारी बट बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है, इसकी बुनाई हो रही है। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ तोड़कर, ये गल चुकी है अच्छे से, अच्छे से गल चुकी है, पाँच सीटियों के बाद 20 मिनट का दम दिया था हल्की आँच पर, अब इसकी बुनाई हो रही है, तो इसकी बुनाई हो रही है बटों की। अब इस लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे सूखी मेथी, ये मेन इंग्रेडिएंट्स है इसका बटों का, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट, इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर, तो ये हम एंड में ऐड करेंगे इस तरह से। इसे मैंने पैकेट वाली मेथी है, इसमें पानी में थोड़ा सा इस तरह से भूखा जब डालेंगे। तो गाइस बटे हमारी बिल्कुल तैयार है, बुनाई हो चुकी है, और इसे मेथी से इसका टेस्ट इतना इन्हेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है इसका, और तो मेथी आप ज़रूर डालें इसमें, और मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। गाइज़ उसके बाद में बटे बनाने के बाद आ गई मम्मी के घर, मम्मी पढ़ रही हैं नमाज़ और जिक्रा खेल रही है, और इकराबाजी भी आ गई हैं साथ में, और ये छोटी वाली सिस्टर लेटी हैं, और इसी के साथ बस मैं इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। और बटे मुझे इसलिए बनानी पड़ गई थी क्योंकि इकराबाजी चली गई थी अपने हस्बैंड के साथ घूमने, तो फिर हैं, और उसके बाद मैंने बटे बनाई और बस मैं अम्मी के घर आ गई, और ये भी अम्मी के घर आ गई थी, और बस इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लाइक शेयर कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, और ये हमारी जिक्रा खेल रही है, जिक्रा के लिए ज़रूर लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।